सुबह के 6:30 बज चुके हम अभी घर से निकल चुके अभी युवराज के पास जा रहे हैं, युवराज जगदारी के पास। ये आज का 14 व्लॉग है, तो चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं युवराज जगदारी के पास। अब हम लोग एक्चुअली युवराज को ले चुके हैं, आप देख सकते हो कि युवराज है जगदारी को। सो फाइनली अभी हम लोग जाने वाले दो डेस्टिनेशन है। सो एक सोमेश्वर करके, उसके आगे जो डैम है, सो शायद से दो व्लॉग आ सकते हैं, एक सोमेश्वर का आएगा और एक उसके आगे का आएगा। आप लोगों ने बोला था कि भाई स्वराज भाई कुछ तो भी लेके आया ना, इसलिए मैं आ चुका हूँ गाइस 100% युवराज के साथ और किलर यू के साथ। 100% आपको दिखने का मौका मिलने वाला है। सुबह के गाइस 7 बज चुके हैं, ठीक है। 6:45 को निकल चुके थे हम लोग युवराज के घर के पास, अभी 7 बज चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं। मतलब कष्ट देख रहे हो आप, मेरा कष्ट देखो गाइस, और लाइक करना जरूरी है, ठीक है, बराबर है कि नहीं युवराज लगता है, और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही क्लासिक ब्लॉग्स आने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं और डेंजर आवाज आ रहा है इस गाड़ी का, क्योंकि रास्ते में गड़े, और आप जस्ट मेरे बाजू में आप देख सकते हो सिटी सेंटर मॉल है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, मतलब सिटी सेंटर मॉल है, ठीक है। ये मॉल के बाजू में हम लोग खड़े, अभी निकल रहे हैं जस्ट सोमेश्वर के लिए। दो व्लॉग्स में 100% करूंगा उसके लिए, क्योंकि एक ही व्लॉग में दो डेस्टिनेशन अच्छे नहीं है। आप लोगों ने बोला था कि कुछ तो भी दिखाओ, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं आज। सो फाइनली गाइस ये व्लॉग चौथा व्लॉग आने वाला है, राइट? Yes, चौथा व्लॉग आने वाला है गाइस आपके पास, लेट्स गो गाइस। सो वेलकम गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं सोमेश्वर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई सोमेश्वर जाना है, दो डेस्टिनेशन है, एक सोमेश्वर है और एक आगे जो कौन सा कश्यपी डैम ना, कश्यपी डैम है, उधर जाना है, ठीक है। अभी फिलहाल वो रास्ते में सोमेश्वर था, एक कुछ तो भी पावन ऐसा प्लेस है गाइस, जहाँ से गोदावरी नदी गुजरती है। सो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं, अंदर जाएंगे सोमेश्वर के और अंदर जाके दर्शन वगैरह लेंगे। दर्शन लेना जरूरी है क्योंकि हम लोग अंदर आए, ठीक है, गाड़ी बाहर पार की है और अंदर जाके दर्शन वगैरह लेके हम लोग निकलेंगे कश्यपी डैम। यहाँ पे आपको गोदावरी वगैरह के नज़ारे में दिखा दूंगा शॉर्ट्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ही घर से दर्शन ले लेना गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फाइनली मिलते हैं गाइस आगे और चलिए। फाइनली गाइस ये नीचे गोदावरी का घाट है, जो मैंने बोला था आपको कि भाई गोदावरी नदी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ का बहुत पावन स्पेस है गाइस, प्लेस सॉरी। सो यहाँ पे गोदावरी नदी बहती है, ऊपर से उगम होता है गोदावरी नदी का और नीचे से गाइस गोदावरी नदी गुजरती है। अभी ये प्लेस को गाइस एक्चुअली मैं आपको बता दूँ तो मतलब 5 साल तो 100% हो चुके हैं मुझे इधर आने के लिए, तो आज पहली बार मतलब 5 साल के बाद में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही रिनोवेशन वगैरह जबरदस्त लेवल पे किया है गाइस, क्योंकि जब बाढ़ आती है ना बहुत, मतलब मैं अभी जिधर खड़ा हूँ ना उधर तक पानी आ जाता है। सो बहुत खतरनाक चीज़ है, जब बाढ़ भी आएगी ना तब भी एक बार ट्राई करेंगे आने का आपको दिखाने के लिए कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ या जो, ठीक है। सो चल रहे नीचे और मिलते हैं। गाइस फाइनली आप पीछे देख रहे हो सोमेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है नासिक में, क्योंकि एक पावन प्लेस माना जाता है, क्योंकि हम लोग मतलब कई बार आते हैं गाइस गणपति विसर्जन वगैरह, आपको जो घाट दिखा है ना अभी वहाँ पे गणपति का विसर्जन वगैरह होता है, ठीक है। बट हम लोग मतलब 5 साल हुए हैं हम लोग नहीं आए, बट अभी आएंगे आपके लिए तो आना पड़ेगा। अभी आपको ये प्लेस दिखा दिए, दर्शन ले लो, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है दर्शन लेना, ठीक है। जिंदगी में आपने जो भी कुछ कांड किए ना गाइस वो सब निकल जाएंगे दर्शन में। चलो गाइस मिलते आगे। सो फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं, अभी सोमेश्वर का दर्शन तो हो चुका है आपने जैसे कि देखा होगा। अब लोग हम निकल रहे हैं गाइस, जाना है आगे कश्यपी डैम, आपको पता है गाइस, ठीक है। मैंने बोल दिया है क्योंकि कश्यपी डैम जाना जरूरी है, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है अभी। सो 25 किलोमीटर जाएंगे सीधा वहाँ पे और मिलेंगे उसी डैम पे, क्योंकि वो डैम तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ, मतलब पहली बार देखूंगा,
क्योंकि उधर जाने का कभी सवाल ही नहीं आया, बट मैंने सोच रखा था भाई क्या किसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो फुल राडा करेंगे, ठीक है। सो युवराज जगदा, आर यू रेडी? यस। सो गाइस जाएंगे उधर और मजा करेंगे, ठीक है। कश्यप पीड़ा मिलते जाकर डायरेक्टली वहाँ। फाइनली गाइज डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर्स गाइज टोटल हम लोग बाइक पे आए। ये देखो हेलमेट भी है, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई हेलमेट नहीं पहनता तू, ठीक है। सो 25 किलोमीटर्स गाइज बस आपके लिए आए। धरन के मतलब जो डैम होता है ना गाइज, डैम के जस्ट बाजू में खड़े। मेरे बाल तो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे बाल की तो वाट लगी गाइज, बट ठीक है चलो इट्स ओके, ट्रैवलिंग पे होता है। और भाई ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, आई गो नुस्ता राड़ा है गाइज, नुस्ता राड़ा है। हाँ गाइज, ये इस साइड पे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये धरन के दरवाजे हैं, जो तीन दरवाजे हैं, ठीक है, गेट नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खतरनाक, एकदम रापची बोले तो। बहुत मस्त एरिया, बहुत क्लीन हवा है यहाँ की, और पानी तो बहुत कम है, बारिश इस साल कम हुई है, देखते हैं फसल का क्या होगा। बारिश नहीं गिरी इस वजह से पानी कम है, नहीं तो इधर पूरा भरा हुआ रहता है और डैम पूरा ओवरफुल। यस। और अभी ऐसे ऐसे थोड़ी भी बारिश गिर रही है, रिम छोड़ा कम कम कम, हाँ वही रिमझिम बारिश। गाइस रिमझिम बारिश गिर रही है, ठीक है, रिमझिम बारिश का मजा ही कुछ अलग है। भाई मेरे बाल देख रहे हो आप, मतलब ऐसा लग रहा है गाइस मुझे कि भाई इधर ही एक आधा रूम भी डाल के मतलब स्वराज गेमर्स का सेटअप रूम करते। गाइस ये जो फील है ना, या मतलब नहीं, मतलब मैं ये बताने से कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ पर मतलब मैं हम लोग खड़े हैं ना अभी फिलहाल, भाई क्या ही फील आ रहा है, मतलब भाई साहब एक नंबर ऐसा फील आ रहा है। पूरे जगह पे कंटिन्यू लेवल पे पानी 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 पानी, कंटिन्यू लेवल पे पानी है बस, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि बारिश मतलब पानी गाइस मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना उधर तक पानी आता है, आप देख सकते हो पीछे डैम, ठीक है, बट उधर तक पानी नहीं क्योंकि बारिश थोड़ी कम गिरी है, ठीक है। सो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। और ये जो गेट है गाइस, जब बारिश बहुत होती है तो ये गेट खोल दिए जाते हैं ताकि मतलब डैम का पानी कम हो, ठीक है, डैम ओवरफ्लो ना हो। बट अभी ओवरफ्लो का तो सीन ही नहीं है, मतलब मैं देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हो मेरे पीछे, ओवरफ्लो का तो कुछ सीन ही नहीं है, बस ऐसे ही मतलब नॉर्मल लेवल पे पानी है, मतलब है, मतलब डैम पे पानी है गाइस बट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। बट जो फील आ रहा है ना गाइस यहाँ पे खड़े होने का जो फील है भाई, वो फील का तो क्या ही बोलूँ, मतलब यहाँ पे देखो आप किलर भी नुस्ता फोटो सेशन चालू है, युवराज जगदा नुस्ता फोटो शूट डाले गाइस, ये बोल रहा है इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ जरा से हवा करता हूँ, मंडारे भाई कर भाई, इतना पेट्रोल वेट्रोल गवा के आए तो हवा करनी जरूरी है। सो गाइज ये दोनों को पूरा इग्नोर करो, क्योंकि ये दोनों है ना व्लॉग में कुछ बोलते नहीं है, बस आपको मैं ही दिखने वाला हूँ, मैं इनको लाया हूँ ना, ये बस घबराहट हो रहा है एक नंबर से, ये बस ऐसे बोलते स्वराज तू कर, हमें नहीं जम रहा है वो, तू ही कर भाई, हमको नहीं आ रहा है, हम ज़्यादा फेमस हो गए तो मैटर हो जाएगा। गाइज इसलिए आपको बस मैं ही दिखने वाला हूँ व्लॉग्स में, जाने दो, इन दोनों को इग्नोर करो गाइज, अपने को ही फेम मिलना जरूरी है, स्वराज के बस चिलैक्स लाइफ, ठीक है। भाई पीछे तो देखो गाइस क्या ही व्यू है यार, शपथ मतलब गाइस ये क्या है, मतलब यार गाइस एक नंबर ऐसा डैम है यार, ये बड़ा नहीं है ये डैम, मतलब बड़ा क्षेत्र में बड़ा है, बट है ना दरवाजे इसको तीन ही दिए गए, अरे बड़ा ही है पर बारिश का पानी नहीं आया, बारिश नहीं गिरी ना इस टाइम पे, तो इस वजह से थोड़ा पानी कम है, देखते हैं अभी, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है पर इसको जो धरन को तीन ही गेट दिए छोटे से नहीं। यस यस हो गया गाइस, इनका व्लॉगिंग हो गया, टेंशन मत लो, अभी मेरे पास दे दिया इन्होंने कैमरा, क्यों बोले आप नड़ो भाई, हम बस है ना एक वाक्य उत्तर देंगे, आप संदर्भ से स्पष्टीकरण कर दो। युवराज जी सब्सक्राइब करने को बोलो जरा सा आपके भाषा में। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं, काश्यपी डैम पे आए हम, बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे बैठ के बोर हो गए थे इसलिए सोच रहे थे कहाँ पे जाए, प्लान ऑलमोस्ट कैंसल था, मुझे नींद आने वाली थी, मैं सोने वाला था, पर स्वराज गेमर्स का कॉल आया तो मैंने, मुझे अच्छा हुआ मैंने म्यूट पे नहीं रखा, इसलिए मुझे जाग आ गई,
जग गए, हमें जागा गई नहीं गई। चलता चलता। हाँ, तो इसलिए प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल था, पर अभी हम आ चुके हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही था, नहीं तो एडिटिंग वेडिटिंग करने बैठने वाले थे स्वराज्य गेमर्स, नहीं तो ये थे मुझे फटके पड़ने ही वाले थे, पर कैंसिल नहीं हुआ प्रोग्राम। अच्छा हुआ, थोड़ा सा नीचे जाने के मुझे डर लग रहा है, पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जब ये गाइस ये पानी जो है, ये सामने वाले जो पत्थर है ना, ये पत्थर पे जब टेकता है ना, मतलब जब टच होता है, ठीक है, टच होने के बाद है ना दरवाजे को ले दिया जाता है, क्योंकि दरवाजे का लेवल देखो और पत्थर का लेवल देखो, बराबर है कि नहीं? मेरा लॉजिक कैसा है? परफेक्ट। सो गाइस ये जो पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर पानी आता है, बट अभी पानी कम है फिलहाल, बारिश नहीं ज्यादा, इसलिए डैम के दरवाजे खोलने का चांस ही नहीं है। ठीक है, डैम के डोर कब खोले दिए जाते हैं गाइस? जब ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं तीन, ये कब खोले जाते हैं गाइस? जब वो ब्लैक के ऊपर जब पानी टेकता है ना, जब ओवरफ्लो होता है डैम, तब खोले दिए जाते हैं। अभी तो ओवरफ्लो होने का चांस ही नहीं, उधर नीचे भी पानी नहीं जा रहा है, पानी की कमतरता है, पाउस कम ही पड़ रहा है वर्षी। यस यस। तो गाइस आप देख सकते हो भाई, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, एकदम दिल से बोल रहा हूँ, खतरनाक लग रहा है एकदम। क्योंकि गाइस देखो, मुझे ना स्विमिंग भी आती है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल है मेरे पास स्विमिंग में, बट जब मैं ऐसे पानी देखता हूँ ना, मेरी बहुत फट जाती है गाइस, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा फेंक दिया गया ना, मैं स्विमिंग करके आराम से बाजू में आ जाऊंगा, आराम से बाजू में क्या, उधर भी जा सकते हो स्विमिंग करते करते, बट भाई नहीं, मेरी डेंजर फटती है गाइस, क्योंकि ये पानी जो दिखता है ना, आप देख सकते हो, ये देखो, ये देख सकते हो पानी का आवाज भी, बहुत डेंजर आ रहा है। तो अभी सोच रहे गाइस कि थोड़ा सा नीचे जाए, मतलब डैम के थोड़ा करीब जाए, मतलब डैम का जो पानी है उसको हाथ लगाने का थोड़ा ये हो रहा है, मूड हो रहा है मूड। तो सोच रहे कि जाए, उधर एक बंदा खड़ा है, किलर भी आप देख सकते हो, उधर एक बंदा खड़ा है, वो बंदे को पूछ रहे हैं कि भाई मतलब उड़ी मार सकते हैं क्या? नहीं गाइस, हम लोग ऐसे बच्चे नहीं है कि भाई सेल्फी निकालते निकालते गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा है ना सेफ रहते, बराबर कि नहीं? क्योंकि हमें स्वराज गेमर्स आगे लेके जाना है। यस गाइस, स्वराज गेमर्स अपने को आगे लेके जाना है, ठीक है, ये व्लॉग आएगा 100%, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बात बोलना चाहूंगा मैं बस, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करना जरूरी है, और लाइक करना भी जरूरी होता है, क्योंकि लाइक करने से गाइस क्या होगा बताएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आपको पसंद आ रही है चीजें, और मैं आपके लिए जो भी कर रहा हूँ बस आपके लिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और गेमिंग तो चालू है, सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना जरूरी गाइस। मास्क मैं पहनता हूँ, अभी मास्क निकाल लिया है नीचे मास्क है, क्योंकि सोच रहा था मैं कि भाई थोड़ा सा मतलब ये करते, क्योंकि फेस दिखना जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई किसी की वीडियो उठा ली और डाल दी आपने, सो वैसा काम नहीं है। थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, फिलहाल जा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो इधर से ना थोड़ा सा उधर जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे जाकर है ना थोड़ा और मजा आ सकता है ऐसे मुझे लग रहा है। बाकी तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, काश्यप पीट डैम नाम है गाइस, नासिक से तकरीबन कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, 40 बोलो ना, 40 बोलो, 40 किलोमीटर है गाइस। गाइस नासिक से तकरीबन हमारे घर से 40 किलोमीटर है, ठीक है, सो बहुत ट्रैवल करके आया हम लोग। सो लाइक कर दो प्लीज, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आप गूगल कर सकते हो, मेरा घर का लोकेशन दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से गूगल कर सकते हो, 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट है गाइस। जो भी कमेंट बुरा करेंगे ना कि युवराज जगदा चिढ गए उनके ऊपर, वो बोल रहे साले कमेंट करते बुरे बुरे, अच्छे कमेंट करो बोल रहे यार, कमेंट कर रहे तो अच्छे करो, अरे गुड व्लॉग, नाइस व्लॉगिंग बच्ची के दिल में, अरे बेस्ट व्लॉगिंग, व्लॉगर ऑफ द इंडिया, तसा करा गाइस, ऐसे बाकी का क्यों कर रहे हो, बाकी का मत करो। अभी टाइम लैप्स के लिए मैं यहाँ पे अपना जो ये है ट्राइपॉड वो बिठाने वाला हूँ यहाँ पर, ताकि टाइम लैप्स बढ़िया आ जाए, बढ़िया आपको मजा दूंगा गाइस 100%, टेंशन मत लो। वो बोल रहे हैं कि जो लाइक नहीं करेगा सब्सक्राइबर उसको डायरेक्टली ये डैम के अंदर डायरेक्ट डुबा देंगे, अरे ऐसे थोड़ी ना होता भाई, जिसको देखना है देखने दो, नहीं देखना है मत देखने दो भाई, आप क्यों डुबाओगे, इतना क्रूर क्या रावण भी बनो क्या भाई, ऐसे थोड़ी ना है। सो फाइनली गाइज आपको शॉर्ट्स दिखाने वाला हूँ, अभी मैं टाइम लैप्स लेता हूँ, ठीक है, यहाँ के देखो बहुत पास आ गया, बहुत पास है डैम के, बहुत पास गए, बारिश भी हो रहा है एकदम बारीक बारीक रिम जिम पाउस पड़ रहा है। सो करता हूँ मैं अभी ये करता हूँ, थोड़ा टाइम लैप्स लेते मजा आएगा, वो बारिश भी दिखेगा टाइम लैप्स में ना, वो पड़ता थोड़ा सा दिखेगा ना। चलो गाइस मिलते शॉर्ट का मजा लो, ठीक है, मिलते घर जब जाएंगे तब मिलते वापस।
गाइस अभी हमारा शूट हो चुका है गाइस, ठीक है। मैंने जो शॉट्स लिए थे टाइम लैप्स के वो मैं ऐड कर दूंगा। सो शूट डन हो चुका है। सो अभी निकलने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि भाई निकलने का मूड तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि सामने से बारीक बारीक बारिश हो रही है एकदम छोटी छोटी सी, और डैम का जो पानी का जो आवाज आ रहा है भाई एकदम लाजवाब और खतरनाक लेवल पे आ रहा है। ऐसे लग रहा है गाइस कि मतलब नहीं जाए घर पे, ठीक है। बट घर पे नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, मतलब हम लोग क्या वारावर टाके हुए बो रहे क्या? नहीं है, तो हम लोग को घर पे जाना होगा गाइस, ठीक है। सो घर पे जाते हैं गाइस।